सिर्फ वायलेंस है लेफ्ट विंग का नाम, वायलेंस है लेफ्ट विंग का नाम, यही मैं बोलना चाहूंगा देवी, कि अपने ही देश में हमें बिना किसी कारण के अपने भगवानों पे गालियां सुननी पड़ती हैं। अरे आतंक मुर्दाबाद। आप और लेफ्ट के जो गुंडे जो स्टूडेंट्स पे हमला कर रहे हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, वो जेल के अंदर होने चाहिए। ये पोस्टर वामपंथ का काला चिट्ठा है कि जिस तरीके से वायलेंस का कल्चर कैंपस के अंदर रहा है। कैंपस छोड़ो। नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे। जी सोचा तो बिल्कुल नहीं था, पढ़ने आए हैं यहाँ पे, और बुरा लगता है देख के कि जहाँ पे हिंदू छात्र जो है व्रत रख रहा है, पूजा कर रहा है, वहाँ पे मात्र उसको पूजा करने के लिए वो किसी को रोक भी नहीं रहा है। इफ्तार पार्टी भी चली थी, बहुत सौहार्दपूर्ण सब तरीके सब कुछ चला था। यहाँ तक कि मुस्लिम छात्रों ने भी स्टेटमेंट जारी किया है कि हम एबीपी के साथ हैं इसमें। तो उसमें लेफ्ट का जो बीच में दखलंदाजी हुई, उसमें लेफ्ट ने जो है हिंसात्मक रवैया अपनाया जो पूरे विश्व में अपनाता आया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुख होता है एक भारतीय के नाते भी, एक हिंदू के नाते भी, कि अपने ही देश में हमें बिना किसी कारण के अपने भगवानों पर गालियाँ सुननी पड़ती हैं। ऐसा है, ये इन्होंने पहली बार नहीं किया है, ये आगे भी ऐसा करते हैं और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में करते हैं। तो मेरी ख्याल से हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम तो विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे ही, पर पुलिस प्रशासन द्वारा और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वामपंथियों के ऊपर की जाए, ताकि इनको सबक मिले, एक उदाहरण सेट हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत है, और आगे भी बच्चे जो है, आगे स्टूडेंट जो है, वो ऐसी गतिविधियों में ना आए। हमारी मांग यही है कि जिस तरह से कैंपस जेएनयू को ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के फील्ड में देश का नंबर वन इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और आज उसको आप रेड टेरर के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। आज आप किसी से भी कैंपस के बारे में पूछेंगे तो वो यही कहता है कि जेएनयू में पढ़ाई का माहौल नहीं रह गया है। तो हम वो चाहते हैं कि कैंपस का जो सम्मान है वो वापस से उसको मिलना चाहिए, और जिस तरह से पॉलिटिक्स के नाम पर कैंपस में गंदगी फैलाई जा रही है, लेफ्ट का प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश होना चाहिए, और लेफ्ट के जो गुंडे जो स्टूडेंट्स पे हमला कर रहे हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, वो जेल के अंदर होने चाहिए। इसका मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर रह रहे हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि किस तरह से कैंपस पे ये लेफ्ट का प्रोपेगेंडा चल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये पोस्टर नहीं है, ये पोस्टर वामपंथ का काला चिट्ठा है कि जिस तरीके से वायलेंस का कल्चर कैंपस के अंदर रहा है। और हमारी अब ये मांग है कि जो भी ये वामपंथी कैंपस में वायलेंस में लिप्त थे, इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनके ऊपर FIR हो, और इनके ऊपर एक एक्शन लिया जाए, ताकि ये कैंपस में जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे विद्यार्थियों को बांटना चाहते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, इनको एक सबक मिले कि कैंपस पढ़ने के लिए है, ना कि इनके षड्यंत्रों के लिए है, ना कि इनकी एक्टिविटीज के लिए है जो कैंपस में बांटने का काम करती है। रामनवमी के दिन इस तरीके से महाभारत क्या संदेश देता है? ये संदेश अच्छा नहीं है, दुखद संदेश है, क्योंकि उसी कैंपस में, उसी हॉस्टल में इफ्तार पार्टी और रामनवमी बड़े स्वार्थपूर्ण तरीके से मनाई जा रही थी। ये वामपंथियों का षड्यंत्र है जो कैंपस को धर्म के नाम पे बांटना चाहता है। ये दुखद है, पर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन कार्रवाई करे, दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, जो भी SFI का अध्यक्ष पत्थर मारता हुआ दिखाए, डंडे मारते हुए दिखाए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग। कार्रवाई को लेकर आप जेएनयू प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? हम जेएनयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस दोनों से डिमांड करते हैं कि तुरंत एक इंक्वायरी बिठाई जाए इसके ऊपर और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपको उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी? जी बिल्कुल, हम उम्मीद है, और अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो हम उसका भी विरोध करेंगे। अगर आप अपने शब्दों में लेफ्ट विंग को इन सारे आरोपों के जवाब देंगे तो वो क्या होगी? सिर्फ वायलेंस है लेफ्ट विंग का नाम, वायलेंस है लेफ्ट विंग का नाम, यही मैं बोलना चाहूंगा।